उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी जी जी, इसमें उत्तर में इन्होंने लिखा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के निकासी एवं विनियम पदाधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व इस प्रावधान का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। अगर अनुपालन किया जा रहा है तो 1832 जो ठेकेदार हैं उनका भुगतान क्यों बिना जीएसटी काटे हुए क्यों किया गया? बिना जीएसटी काटे हुए ये अधिकार है विभागीय जो कार्यपालक के अभियंता है उसका काम है कि संवेदक का जीएसटी काटकर भुगतान करना, लेकिन 1832 पूरे बिहार के जो संवेदक हैं उसका बिना जीएसटी का भुगतान सारा लोग कर दिया है। मिली भगत है, कहीं ना कहीं मिली भगत है, और ये काम ग्रामीण विभाग के जो जो संवेदक के माने इंजीनियर हैं उनका काम है जीएसटी काटना। पूरा क्या है आपका? मैंने कहा ना पूरा ना, जीएसटी कटौती करना किसका काम है? माननीय मंत्री, प्रश्न के अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में दिया गया है जीएसटी अधिनियम के धारा 51 के तहत आपूर्तिकर्ता संवेदक के विपत्र के भुगतान से पूर्व 2% के दर से 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी स्रोत पर जीएसटी की कटौती का प्रावधान है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निकासी और विनियम के पदाधिकारी के द्वारा भुगतान के पूर्व इस प्रावधान के पूर्ण अनुपालन किया जाता है, और शेष जीएसटी जो और कटना होता है उसके लिए जो है वाणिज्य कर विभाग जो है उसको काटता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का गलत जवाब है। जीएसटी काटना विभाग के संवेदकों से करना है, विभाग के कार्यपालक जो अभियंता होते हैं उनको काटना होता है, और पूरे बिहार में मिली भगत के वजह से सरकार का ये जीएसटी जो है पैसा ये घपला किया जा रहा है, करोड़ों में है, करोड़ों करोड़ में है। इसलिए ये विभाग का काम दायित्व बनता है जीएसटी काटना। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आग्रह करूंगा कि ये बहुत बड़ा घपला है, इसको विधानसभा के विशेष कमेटी से इसकी जांच करा दी जाए। आपका सुझाव मंत्री जी ग्रहण किए हैं, जवाब उन्होंने स्पष्ट दिया है कि पूरे दायित्व के साथ निर्धारण निर्वाहन कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, अगर करते तो हमको सवाल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये विभाग दायित्व का पूर्ति करती पर बुरा रहे हैं। अबानीजगर विभाग का ये काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विभाग को ही जीएसटी काटने के बाद ही अगर कोई पूर्ति नहीं करता है तब बालिश का विभाग देख। ठीक है माननीय मंत्री जी, देख लीजिएगा। नहीं सर ऐसा अध्यक्ष महोदय।